शिवाय। बड़ी खुशी की बात है कि शिमेघे में हम लोग 24 से 2 जून तक हम लोग श्री महापुराण की कथा का आयोजन किए हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं। हम लोग शोभा यात्रा के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। शोभा यात्रा के लिए लगभग हम लोग 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगे और कल से स्थापना होंगे और 2 जून तक पूर्णा होती होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्कार है। तो यहाँ समय गई है कि शिवालय में हम यहाँ पर महाशिव पुराण की कथा के आयोजन कर रहे हैं और आज से पूजा आरंभ हो रही है यात्रा से। और ये शिव पुराण की कथा जो है, इसमें शिव जी की महिमा, शिव जी की कथा और शिव जी जो हमें उनके भक्त को जो हमेशा रक्षा करने वाले हैं। भगवान शिव ने हमेशा हमारे कल्याण के लिए अनेक तरह के कष्ट सहे, दुख सहे और अपने जो महिमा है, जो जीवन है और शिव भगवान की पूजा जो होते हैं, पारिवारिक पूजा होते हैं, शिव परिवार के साथ उनके पूजा होते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में समय गैया की सभा और हम सभी मिलकर ये महापुराण की कथा यहाँ पर कर रहे हैं ताकि इस गांव का कल्याण हो सके, शिवमय वातावरण में सभी को ये प्राप्त हुए और ये गांव को छोड़कर ये वातावरण जो शिवमय होता है, पूरे देश को हमने आमंत्रण दिया, उनको भी ये आशीर्वाद प्राप्त हुए, ये कल्याण हुए। तो इसी उपलक्ष्य में ये शिव महापुराण की कथा समय गये में हम यहाँ पर मना रहे हैं, इसको ये सब तैयारी यहाँ पर हम किए। तो अभी हम शोभा यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं और उसी यात्रा से हम जो हैं गंगा माँ को लेकर जल हैं, पूरे गांव का जो है उसमें कल्याण यहाँ पर प्रदान होंगे। ये गंगा जल लेकर हम सभी कलश स्थापन करेंगे। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट धारी। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट धारी। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट धारी। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट। छाल पहने गले मुंड मां, जय 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 महाकाल, जय 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 महाकाल, कल त्रिशूल धारी बलिहारी बलिहारी। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट धारी। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट धारी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। गोहत मन चंद्र बाल सोहट गले सर्पमाल, मन चंद्र बाल सोहत गल सर्पमाल, ओहत मन चंद्र बाल सोहत गल सर्पमाल, ओहत मन चंद्र बाल सोहत गल सर्पमाल। जय 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 महाकाल, जय 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 महाकाल, कल त्रिशूल धारी बलिहारी बलिहारी। हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी जटाजूट। जटा जूट धारी।
बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम शिव लहरी। बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम शिव लहरी। अगर बम शिव लहरी बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम शिव लहरी। अगर बम शिव लहरी बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम शिव लहरी। अगर बम शिव लहरी ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। गले से नाग बोले गले से नाग बोले। मस्तक पे चंदा बोले मस्तक पे चंदा बोले। गले से नाग बोले मस्तक पे चंदा बोले। गले से नाग बोले मस्तक पे चंदा बोले। शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी। शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी। ओ शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी। शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी। बम 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 बम। बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए अगर बम शिव लहरी। अगर बम शिव जय गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजा मन रमना। जय गंगा जटाधर गौरी शंकर गिरिजा मन रमना। हर मृत्योम जय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरना। मृत्योम जय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा। हर मृत्योम जय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा। हर मृत्योम जय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा। नागभूषण नागभूषण नागभूषण
शोभा यात्रा अभी पूर्ण हुआ तो पूरा समय गए गांव और सामुनिक गांव को ये यात्रा करके हमारे जितने भी श्रोता हैं भक्तगण हैं इस जल को लेकर यहां पर पहुंच गए हैं शिवालय में और ये इस जल से जहां पर सब तीर्थ के जल में इसमें मिला है वे समुद्र का जल गंगा जल जो सभी तीर्थ स्थान से आए हैं और इसी जल को लेकर सभी कलशों में हम यहाँ पर इसको प्रवेश कर दिए और ये 10 दिन तक यहाँ पर ये कलश रहेंगे और इसमें वरुण देवता का वास है। वरुण देवता जो जल का देवता है वर्षा का देवता है और जल जो जीवन का प्रतीक होता है यही उपलक्ष में ये हम यात्रा करते हैं और ये शोभा यात्रा करके पूरे गांव में जैसे मैंने कहा शामुनी शमगैया गाँव में ये सब जो हैं ये आशीर्वाद व्याप्त होते हैं और इसी यात्रा को पूर्ण करते हुए आज ये पूजा हम यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं और इसी जल से प्रतिदिन जो यहाँ पर शिव अभिषेक होगा इसी जल हम महादेव पर चढ़ाकर उनको जो है शीतलता प्रदान करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके ये कार्य हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर समय गए मैं यहाँ पर हम आए हुए हैं तो त्र्यंबकेश्वर महादेव ही का नाम है तो इसी यात्रा को पूर्ण करते हुए महादेव पर ये चल जराकर उनका आशीर्वाद उनका जो प्रसन्न भगवान को करके पूरा गांव के लिए हम कल्याण मांगे पूरा देश के लिए कल्याण मांगे और हमारा समस्त परिवार सुख को प्राप्त करे सुख शांति प्राप्त करके अपने जीवन में यही फल उनको प्राप्त हो। ओम गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलय अस्मिन् सनिधिं गुरु सर्वतीर्थाय समायुक्तं सुगंधे निर्मलं जलमः असमन्यतां गृहाणां परमेश्वरः। ओम महागंगामाताभ्यो नमः सर्ववरुणदेवताभ्यो नमः सर्वतमावाहयामि पूजयामि त्वा सन्मुखो भवः जलादिनिवासनम् जलाभिषेकमन्तर्गते पूजनम् सर्वदेवातं संकल्पं करिष्ये यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बोधा बुद्धेति प्रमाणपटवा कर्मेति नैयायिका हर हर नित्यन जैन सासरनत कर्मेति मीमांसका सोऽयम्भो विदधान्तु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि ओम ध्यायनिन्दं महेशं रजगिरिनिभं चारुचन्द्रवदसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशोमृगाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समन्तात स्तोतमं व्याघ्रकीर्तिं वसनं विश्वध्यां विश्ववंदं निखिलभयहरणं पंचवत्रं त्रिनेत्रनं नमस्ते रुद्रमनयवतोतैकवें नमः बाहुव्यां ते नमः जातिरुद्रा शिवातनोर घोरपापकाशिनी दयनस्तन्वा गिरिसन्द ज्ञामिक्षुं गिरिसन्दे शिवांगित्रिमाहिगंसिः पुरुकं जगतः शुदवालं सर्वशुदवालं मनिवा शुतमाशुतं रुद्रपशुपतये कन्नयाप्न अवलोक्ताय नमः महादेवाय नमः रुद्रान पशुपताय नमः। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं आओ गजानन आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ आओ आओ गजानन आओ आके भक्तों का मान बढ़ाओ आओ आओ गजानन
कलश है ये प्रदान कलश प्रदान कलश ये जो मेन कलश होता है यही उनके पूजा से हम आरंभ करते हैं। ओम या फलानी निरया अफलय पुष्प याक्ष पुष्पिनिह मनोर ज्योति ज्योति माजस्य प्रियस्पने तनोतरिष्यम विश्वदेव हिमद्यमानो प्रतिष्ठिताम श्री कलश वरुण देवताभ्यो नम प्रदक सर्वतम आसनम समर्पयामि। तब इसके बाद सुरस मातृका आते हैं। ओम सर्वमात्रिका पूजनमंतर्गते या फलानी निरया अफलय पुष्प याक्ष पुष्पिनी भोक्षदम सर्वदेवाय मातृका देव्यै नमः सर्वासनम समर्पयामि। सप्तघृत मातृका आसनम महा सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः सर्वक्रस्त रूपमंतर्गते सर्व आसनम समर्पयामि। या फलानी निरया अफलय पुष्पनाक्ष मोक्षतमंतर्गते सूर्य नवग्रह देवताभ्यो नमः सूर्य क्रस पूजनमंतर्गते सर्वासनम समर्पयामि। ही ओम या फलानी निरया अफलय पुष्प याक्ष पुष्पिनी ब्रोक्षदम आकृष्णित वर्तमानु निवेशन्दमृत्त चरते नो देवी याति भुवनानि चबाकुसुम संकाशम काशपेयम महारिजम सर्वदेवातम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो नमः। सूर्य नवग्रह सर्वतो भद्रमंडल देवता पूजनम सर्व दोवत्रमंडल देवता शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवरनम चतुर्भुजम प्रसन्नवरनम ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशांते। सभी स्थान को शुभ करता है और उसका स्थापन करके ये भगवान से मांग करे कि ये जगह ये कार्य अच्छी तरह से होवे तो हमारा वास्तु अगर कोई दोष है तो वही वास्तु देवता इसको सुधार देवे और हमारा कार्य कल्याणमय होवे। अब वास्तु देवता के बाद दशो दिक्पाल जो दशो दिशाओं से हमारी रक्षा करते हैं तो उस कलश का स्थापन हम कर रहे हैं। तो दश दिक्पाल कलश यहाँ पर। ओम मनोर ज्योति ज्योति माजस्य बृहस्पने तनोतरिष्यम विश्वदेवा हिमद्यमानो प्रतिष्ठिताम। तो दश दिक्पाल के दस कलश होते हैं और ये दस कलश पूरा दस जो डायरेक्शन हमारा होता है दशो दिशाओं से हमारा इस पूजा की रक्षा करेंगे। तो यही भगवान से मांग करें कि आज ये स्थापन हम कर रहे हैं हमारा कार्य शुभ होवे हमारा पूजा अच्छी तरह से पूर्ण हो। तो दशो दिक्पाल का आवाहन यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो सर्वदेवातम नेत्रतयम अंतर्गते पूर्वे रक्षतम अंतर्गते सर्व ब्रह्म मध्ये सर्वदेवातम उत्तरे नमः सर्वदेवाय कार्य दशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः अंतर्गते आयुषकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव मनोर ज्योति ज्योतिमाजस्य बृहस्पने तनोतरिष्यम विश्वदेवा हिमद्यमानो प्रतिष्ठिताम सर्वदशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः मा वाह्यामि पूजयामि त्वसन्मुखो भवः अस्य प्राणं चरन्तु च अस्वदेवतमाचार्य सर्वप्रतिष्ठिता देवाय नमः आसनं समर्प
कृपया मिहि दशोदिक्पाल रक्षा विधानम अंतर्गत सर्वदेवाय नमः अस्य प्राणं चरन्तु च अश्वदेवत्तमाचार्य सुप्रतिष्ठिता देवता कलस्वरुण देवाय नमः अंतर्गत सर्वविधिना पूजनम करिष्यामि। ओम सर्वदेवाय भ्यो नमः नेत्रत्याम अंतर्गत ब्रह्म मध्ये देवाय नमः वरुण देवताभ्यो नमः महाकुबेराय नमः महालक्ष्मी माताभ्यो नमः अंतर्गत अनंत देवाय नमः सर्वदेवतमावाह्यामि पूजयामि त्वसन्मुखो भवः अस्य प्राणं चरन्तु च अश्वदेवतमाचार्य सुप्रतिष्ठिता देवताभ्यो नमः। ओम दशोदिक्पाल देवताभ्यो नमः सर्वतम ब्रह्म मध्य अंतर्गते सर्वदेव नेत्रताम सर्वदम दक्षिणाय नमः सर्वदिशा रक्षाबंधनम अंतर्गते आयुषकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। तुम्हारा जितना भी श्रोता इस नव पूजा में जो नवरात्रि में महा शिवपुराण में भाग लेंगे तो यही सभी कलश वरुण देवता का स्थापन करें, वे इन सब श्रोताओं के परिवार उन श्रोताओं सब की रक्षा करेंगे और उनका व्रत जो उन्होंने किया तपस्या जैसे उन्होंने किया एक तैयारी है तो उसमें ज़रूर सफलता उनको प्राप्त हुई। इसी कारण ये दस दिक्पाल यहाँ पर हम स्थापित करते हैं। सर्वदक्षिणायन मंत्रगते दिशा रक्षा मंदन मंत्र आयुषकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता वरदो भव। सर्वदशो दिक्पाल देवताभ्यो नमः सर्वासनम समर्पयामि। ब्रोक्षदम अखंडरितफलम सर्वदेवातम दशोदिक्पाल देवताभ्यो नमः सर्वदिशा रक्षाबंधमंतर्गते उत्तरे दक्षिणे मध्येतमंतर्गते सर्व रक्षाविधानं पूजनं करिष्यामि सर्वदेवाय नमः सर्वदेवातम कलस्वरुण देवता व्यो नमंतर्गते आसनम प्रतिष्ठाये नमः सर्वदशोदिक्पाल देवताभ्यो नमः सर्वासनम समर्पयामि। तो अभी सभी दस दिक्पाल देवता का स्थापन हो गया। अब जैसे आप सभी जानते हैं शिव पुराण की कथा है, महादेव की पूजा है, तो महादेव की कलश जो है रुद्र कलश भगवान का यहाँ पर स्थापन हो रहा है, तो भगवान शिव का ये कलश। ओम तत्पुरुगाय विक्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अब महादेव के बाद महादेव की शक्ति, सभी जो शक्ति होते हैं जो हैं 64 योगिनी, सब योगिनी जो होते हैं महादेव के साथ होकर इस कार्य का जो है भार वे संभालेंगे तानेंगे और हमारा कार्य शुभ। चतुर्योगिनी भ्यो नमः सर्वदिव्यै नमः आसनम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। आज हम समय गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आए हुए हैं और आज से लेकर 2 जून तक यानी कि 24 मई आज से लेकर 2 जून तक यहाँ पर महाशिव पुराण की कथा सभा ने आयोजन किया और महाशिव पुराण की कथा में शिव भगवान के और माता पार्वती के जीवन के बारे में उनके पारिवारिक कथा ये सब इसमें प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने में और पढ़ने में जो फल हमें प्राप्त होता है, एक जो है पारिवारिक सुख, हमें परिवार का सुख मिलता है क्योंकि इसमें भगवान शिव माँ पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय स्कंद महाराज इन सब की कथा आते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन कैसे होता है, शिव विवाह कैसे होता है, इसमें ये सब प्राप्त होता है। तो माता पार्वती ने अनेक तपस्या किए क्योंकि पहले वे माता सती के रूप में थे। माता सती के जो हैं अग्नि में वे जब प्रवेश हो जाते हैं, शिव भगवान वहाँ पर समाधि में लीन हो जाते हैं, तब पुनः शक्ति और शिव का मिलन करने के लिए ये फिर से होने के लिए सभी देवता ने शक्ति का आह्वान किया। तो शक्ति ने फिर से जो है पार्वती के रूप में, माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, जो ये इस तरह से वे अपने लीला करती हैं। तो जब वे जो है उनका उम्र होता है, वे इस तरह से मिलते हैं, एक बार नारद मुनि से मिलते हैं, तब नारद मुनि उनसे कहें कि आपका लक्ष्य है शिव भगवान को प्राप्त करना, शिव भगवान से विवाह करना। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहे कि आप शिव
भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या किए, क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव समाधि में हैं। तो माता पार्वती ने अनेक सालों तक तपस्या किए। तपस्या करते करते जो हैं सब कुछ त्याग कर देते हैं, भोजन त्याग कर देते हैं, श्वास लेना त्याग कर देते हैं, तब भी महादेव जो हैं उनका समाधि भंग नहीं होता है। तब सभी देवता ने मिलकर, क्योंकि शिव और पार्वती का मिलन बहुत आवश्यक है, यही शिव पुराण में बताते हैं, क्योंकि शिव का पुत्र होना बहुत आवश्यक था जग का कल्याण करने के लिए, जो हैं अनेक दैत्यों का नाश करने के लिए शिव पुत्र बहुत आवश्यक हैं। तब जो हैं उन्होंने कामदेव का साथ लिए, कामदेव ने आकर भगवान शिव पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने बाण जो हैं काम का बाण चलाते हैं। लेकिन कामदेव जानते थे अगर भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे तो उसका जो है हर भाव से जो है अहित होगा, उनका नाश होगा। कल्याण के लिए, जग की रक्षा करने के लिए कामदेव ने जाकर ये कार्य किया और भगवान शिव का समाधि जो है भंग किया। तब जाकर शिव पार्वती का मिलन हुआ, तब उनके पुत्र हुआ। शिव जी क्यों तांडव नृत्य करते हैं? ठीक है, भगवान शिव का तांडव जो नृत्य भगवान करते हैं, ये भगवान अपने जो इस रुद्र रूप का होते हैं, वे जब कभी कुछ अहित होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, तो भगवान ये नृत्य करते हैं। और तब भी देव सभी भक्त की रक्षा करने के लिए तब एक रूप में ये करते हैं, और दूसरा नतराज, भगवान नतराज का स्वरूप है, वे जब प्रसन्न होते हैं ये भी करते हैं। तो दोनों रूप हैं, एक भगवान जब क्रोध में होते हैं तब ये तांडव जो होते हैं ये सब करते हैं, एक भगवान जब प्रसन्न होते हैं नतराज वे नाचने लगते हैं, वे भगवान इस तरह है तो प्रसन्न होकर अपने दमरू बजाकर वे भगवान नाचने लगते हैं। तो इस कारण हम भी भगवान की पूजा जब करते हैं दमरू का ये सब प्रयोग करें, ताकि भगवान शिव को हम इस रूप में उसको दर्शन कर सके नतराज के रूप में। तब पूरा जग कल्याण के लिए भगवान इस रूप को धारण करके ये नृत्य हमारे लिए करते हैं। शिवलिंग में क्यों लिंग है और योनि है? तो शिव भगवान का ये स्वरूप शिवलिंग जब पहली बार के प्रकट होता है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु के मध्य में एक मेदभाव, कौन सबसे बड़ा है? ये दोनों ऐसे युद्ध किया, कौन सबसे, ब्रह्मा जी सबसे बड़ा या विष्णु, दोनों मान नहीं रहे। तब जब ये डिबेट भगवान देखते हैं तो शिव भगवान उस समय एक महाशिवरात्रि का समय था, तो भगवान पहली बार के लिए शिवलिंग के रूप में आते हैं, शिवलिंग के रूप में आते हैं, लिंग के रूप में आते हैं, और कहा जो आप दोनों देवताओं में जो मेरे इस लिंग का अंत जान जाएंगे तो वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा। तो उसमें भगवान विष्णु कोशिश किया जाने के लिए अपने वाहन में, लेकिन भगवान लौट जाते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी वे भी जाते हैं, लेकिन लौटते समय भगवान शिव से भगवान जो है पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने आपका अंत देख लिया, जहाँ शिवलिंग का अंत है मैंने देख लिया, और वे उनके साथ एक जो हैं जिसको हम वहाँ पर इस सरल भाषा में कहते हैं जो केमुए होता है, एक साक्षी जो होता है, वे केतकी का फूल लाते हैं। तो कहा मैंने आपका अंत देखा और केतकी साक्षी है। तो शिव भगवान जान गए कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, तो शिव ने अपने जो वहाँ पर त्रिशूल लेकर ब्रह्मा जी का एक सिर काट लेते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि आज से इस पूरे विश्व में आपका कोई मंदिर नहीं होगा। तो ये महादेव जी ये कहते हैं, और भगवान शिव कहते हैं कि केतकी का फूल कभी उन पर चराया नहीं जाएगा। तो ये शिवलिंग है, तो ये जैसे आपने कहा शिवलिंग और योनि, तो ये जो है जीवन का प्रतीक बताते हैं, शिव और शक्ति वे एक ही प्रतीक होते हैं, और उनके पूजा करने से इनमें ही शिवलिंग में भी उनका सब परिवार है, तो उनका पूरा परिवार है। तो एक शिवलिंग की पूजा करने से माँ शक्ति, उनके पुत्र, सभी परिवार का एक ही में आशीर्वाद मिल जाता है। तो यही भगवान इस रूप में आते हैं, तो उस समय तक वह हम पूरे शिवरात्रि में भगवान का जो है शिवलिंग रूप में पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद हम क्या क्या चढ़ाते हैं शिवलिंग पर? थोड़ा सा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वही भोलेनाथ हैं, ये सबसे आसान है। भगवान के दर्शन करने के लिए जब आप मंदिर आते हैं तो जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल, वे सोमवार हो
और वे मासिक शिवरात्रि हो महाशिवरात्रि हो, अगर आप भगवान शिव पर एक जल लोता चढ़ा देवे तो भगवान प्रसन्न होकर पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। जब कोई विवाह करना चाहते हैं, उनका लग नहीं लग रहा है, कुछ ग्रह होता है, तो भगवान शिव पर जल चढ़ावे एक लोता जल, तो हर सोमवार को उनका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। परिवार में कुछ दुख हैं, कष्ट हैं, तो शिव भगवान ही समाधान है। देवता जब दुख में होते हैं, देवता लोग जब दुख होते हैं तो महादेव के पास जाते हैं। तो जब विष को ग्रहण करना है, अमृत सभी ने ले लिए, जब विष को पान करना है, ग्रहण करना, कोई लेना नहीं चाहते थे, तब शिव भगवान के पास गए, तब शिव भगवान ने सब जग की कल्याण के लिए रक्षा करने के उस विष को पान कर लिया। तो इसी कारण हम भगवान शिव पर ये जल चढ़ाते हैं जो उनको शीतलता देते हैं, शांत करते हैं, तो ये प्राप्त होता है। और अनेक पदार्थ होते हैं, बेलपत्र भगवान शिव को प्रसन्न है, भस्म भगवान शिव को प्रसन्न है, तो आप भक्ति भाव से जो भी भगवान को ये सब पदार्थ अर्पण करें तो भगवान शिव हमेशा प्रसन्न होकर आपका कल्याण ही करेगा। ध्यान में बैठे भोले बाबा शंकर शंभो प्यारा है, ध्यान में बैठे भोले बाबा शंकर शंभो प्यारा है, तेरे मन में बैठा
ध्यान में खो
Yes.